इस फिल्म मेकर से प्यार करती थी आशा पारेख, इस डर से नहीं की शादी। लीजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल लॉन्च हो गई है। आशा ने ऑटोबायोग्राफी को जर्नलिस्ट खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखा है, जिसमें उन्होंने फिल्म मेकर नासिर हुसैन के साथ अपने किस्से का भी खुलकर जिक्र किया है। बुक लॉन्चिंग के मौके पर आशा पारेख ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात की है। फिल्म मेकर नासिर हुसैन के साथ आशा ने दिल दे के देखो, तीसरी मंजिल और कारवा सहित 7 फिल्मों में काम किया है। आशा बताती है कि हाँ, नासिर साहब की एकमात्र ऐसे मर्द है जिनसे मैंने प्यार किया। मेरे जीवन में जो लोग मायने रखते हैं, अगर उनका जिक्र मैं अपनी आत्मकथा में ना करूं तो फिर इसे लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं कभी भी घर तोड़ने वाली नहीं रही। मेरे और नासिर साहब के परिवार के बीच कभी कोई अनबन नहीं हुई। मैं कभी हुसैन को उनके परिवार से अलग नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी नहीं की। अपनी जिंदगी के इस नाजुक पहलू को बखूबी किताब में संभालने का श्रेय मैं आत्मकथा के लेखक खालिद मोहम्मद को देती हूँ। किताब लॉन्च के मौके पर उनकी बेटी नुसरत और उनके नाती इमरान खान को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन को गरिमापूर्ण रूप से और बिना किसी तकलीफ पहुँचाए जिया है। मेरा मानना है कि शादियाँ ऊपर से तय होती है और शायद इस मामले में भगवान मेरी जोड़ी बनाना ही भूल गया। मेरी शादी का संयोग ही नहीं था, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी तरह हो जाए। उस वक्त उन्होंने कोशिश भी की लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरा मानना था कि शादी होने से ज्यादा जरूरी है अच्छी शादी होना। सिर्फ शादी का टैग लगाने के लिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी इच्छा थी कि मैं शादी तभी करूँ जब मुझे मेरा मनपसंद साथी मिले। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने शादी नहीं की।